हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। चैप्टर में हमने पढ़ा है कि स्वतंत्रता की ओर एक कदम बढ़ाया है महात्मा गांधी ने। वह सत्याग्रह करते थे महात्मा गांधी, उन्होंने दांडी मार्च करने के लिए यात्रा की योजना बना रहे थे। तो आश्रम के अंदर जो धनी नाम का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है धनी, उसको टेंशन हो रही है कि अंदर आश्रम में बातें चल रही है, कुछ योजना बनाई जा रही है, लेकिन मुझे नहीं बताया जा रहा है। अब धनी जो है वो इधर उधर से कोशिश करता है बात जानने की कि आखिर बात क्या है। तो धनी को बिंदा बताता है कि गांधी जी जो है वो यात्रा पे जाएंगे और दांडी तक वो पैदल यात्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि नमक के ऊपर कर लगा दिया है ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने नमक के ऊपर कर लगा दिया है। अर्थात नमक जैसी छोटी चीज़ हर एक व्यक्ति को चाहिए, और चाहे वो कितना भी गरीब हो उसे कर देना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया, ब्रिटिश सरकार नहीं मानी, कर उन्होंने नहीं हटाया। तो गांधी जी ने स्वयं दांडी तक गए और समुद्र के पास जाके वहाँ पे नमक बनाने के लिए यात्रा का आयोजन किया। उन्होंने और भी उनके आश्रम में जो लोग आए हुए थे वो भी उसमें शामिल थे। अब धनी देखिए सीधे अपने पिताजी से पूछता है, वो कहता है, पिताजी क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहेंगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं, नौजवान यानी जो लड़के टीन एज से ऊपर है, टीन एज के आसपास से लेके और फिर ऊपर है, तो वही 15 से 35 साल तक 40 साल तक के लोग जाएंगे। तो धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी को जाना था, उसे भी अपने देश के लिए कुछ करना था, उसने जिद पकड़ ली। धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया, उसे प्यार से समझाया, आराम से इत्मीनान से समझाया कि सिर्फ वे लोग, धनी को पिताजी ने आराम से समझाया इत्मीनान से, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, यह जरूर हाँ कहेंगे, वह मुझे जरूर हाँ कह देंगे, धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी के पास गया। गांधी जी को ढूंढने निकला, वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिनी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चक्के के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा, बिनी भी साथ में कूदती हुई आई, क्योंकि वो तो साथ साथ में ही रहती थी गांधी जी की, तो वो भी साथ में ही आई। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा, वैसे ही बिन्नी भी चली गई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। धनी, बापू, और यह तुम्हारी बकरी है? तो देखिए धनी क्या कहता है, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ मिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी,
कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। गांधी जी को पता था कि धनी उनके पीछे पीछे घूम रहा है, तो गांधी जी को पता चल गया तो पूछ रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। अब धनी ने घबराया सही, लेकिन हिम्मत करके कह डाला, क्योंकि कहना तो पड़ेगा। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। अब धनी ने भी कहा कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। बच्चा है, कई बच्चों के मन में जो बातें आती है फिर वो जिद बनने लग जाती है। हाँ ठीक बात है, कुछ सोच कर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं जो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं इसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। धनी खुद ही अपनी पढ़ाई कर रहा है कि हाँ ये तो ठीक बात है, जब ये मैं खिलाता हूँ तभी खाती है और मुझे पता है कि इसको क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। सुभद्रा सेन गुप्ता का लिखा हुआ है ये, और अनुवाद मनीषा चौधरी ने किया है इसका। दूसरी भाषा में था तो इसका अनुवाद किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि गांधी जी ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किस तरह सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह, जो सत्य है वो तो है ही। बहुत से लोग ऐसे थे जो सत्य के लिए खड़े हुए थे, सत्य के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। देश में जो अत्याचार हो रहा था अंग्रेज़ों का, उनके खिलाफ वो बोले थे, लेकिन वो आग्रह वाली भाषा उनकी नहीं थी, उनकी क्रूर भाषा थी। वो हिंसा के रास्ते अपनाते थे, ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखते थे, लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे, वो अहिंसावादी थे। उन्होंने सत्याग्रह जैसे अभियान चलाए, यानी सत्य आग्रह स्वरूप हमेशा अपने अभियानों को उन्होंने आगे चलाया, कभी भी हिंसा के रास्ते नहीं अपनाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और समझिए गांधी जी की नीतियों को। ओके थैंक यू।